हेलो एवरीबॉडी, आज हम फाइनली क्लास 10th का फिक्शन वर्चुअली ट्रू ये पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल का ये चैप्टर है और स्टोरी भी उतनी ही बढ़िया। वर्चुअली यानी कि हकीकत है भी और नहीं भी दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबेस्टियन शर्ल्ट्स ये एक ऐसा नाम नहीं है जो आपको हर रोज सुनने को मिले, लेकिन यहां वो बड़े बड़े और क्लियर अक्षरों में लिखा मेरे सामने पड़े न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के टॉप पर था। उस न्यूज़पेपर की रीडर एक बड़ी मोटी औरत थी। मैं उसका चेहरा देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उसके घरघराते सांस की आवाज जरूर सुन सकता था। मिरेकल रिकवरी हेडलाइन में लिखा हुआ था। सेबेस्टियन शर्ल्ट्स साउथ लंदन का रहने वाला एक 14 ईयर्स स्कूल बॉय कल एक ऐसी गहरी नींद यानी कि कोमा से जाग उठा जिसका डॉक्टरों को डर था कि शायद वो हमेशा के लिए जारी रहती, यानी कि डॉक्टरों को डर था कि वो कोमा से कभी बाहर ही नहीं आएगा। ये वो सेबेस्टियन शर्ल्ट्स हो ही नहीं सकता जिसे मैं मिला था। मैं आर्टिकल के बाकी का जो भाग था वो पढ़ने के लिए आगे को थोड़ा झुका। 6 वीक्स पहले सेबेस्टियन शर्ल्ट्स एक मोटरवे एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाता है। जनरल हॉस्पिटल में पहुंचने पर उसकी हालत बहुत नाजुक बताई गई, फिर भी स्टेबल रही। डॉक्टरों की आशाओं के बावजूद लड़के को होश नहीं आया। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि उनका बेटा कोमा में चला गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसिस शर्ल्ड ने कहा कि डॉक्टर सब कह रहे थे जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन मन ही मन में हम जानते थे कि बच्चे को दोबारा होश में लाने के लिए हमें एक मिरेकल, एक चमत्कार की जरूरत थी। अब वो चमत्कार हो गया है। उसी पल उस औरत का हाथ हिला। मुझे अचानक वो फोटो दिखाई पड़ गई जो उस स्टोरी के साथ छपी हुई थी और मैं तो चौंक गया। उस पिक्चर में सेबेस्टियन शर्ल्ट्स ही था, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैं थोड़ा बुदबुदाया। सेबेस्टियन शर्ल्ट्स वो लड़का जिसे मैं अभी रिसेंटली इतनी अच्छी तरह से जानने लगा था। अपेरियंटली वो उस पूरे टाइम के दौरान कोमा में पड़ा रहा था। मुझे घबराहट और कंपकपी महसूस होने लगी। इससे बिल्कुल कोई बात क्लियर नहीं होती थी। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर को देखा और अपने दिमाग में उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को फिर से दोहराने लगा। ये सब 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ। पापा और मैंने सैटरडे आफ्टरनून पूरा कंप्यूटर फेयर यानी कि एक मेले में बिताया था, कंप्यूटर का मेला। पापा कंप्यूटरों के बारे में तो बिल्कुल सनकी, बिल्कुल पागल हैं। उनके पास एक पेंटियम 150 MHz का प्रोसेसर है जिसके साथ 256 की रैम, 1.2 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव और 16 स्पीड वाली सीडी रोम लगी हुई है, और स्पीकर्स, प्रिंटर्स, मॉडेम और स्कैनर सहित सब कुछ लगा हुआ है। ये कोई भी काम कर सकता है, पेंट कर सकता है, म्यूजिक बजा सकता है, डिस्प्ले क्रिएट कर सकता है, और जब मेरा होमवर्क का कचरा भी हो तो ये भी इसे अच्छा बना सकता है। बेस्ट ऑफ ऑल आर द गेम्स टॉर्नेडो, मिबाबेश, ब्लैक बेल्ट, काइरिन्स कैजल। मैंने ये सब गेम्स इस पर खेली है क्योंकि इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है और इसकी लाउड वॉल्यूम मतलब कमाल है। इससे ऐसा लगता है मानो आप खुद इन गेम्स में है और उनके कैरेक्टर्स जेड या बी, ट्विस्टर और जो भी है, ट्विस्टर और जो भी है, उन सब से आप लड़ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप खुद इस गेम का एक हिस्सा है। टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही थी और पापा नए नए गैजेट्स और मशीनों से इतने अट्रैक्ट होते जाते थे कि उन्हें लेने से मना नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि हम कंप्यूटर फेयर में गए थे। वहां से हम एक वर्चुअल रियलिटी वाइजर
और ग्लव्स लेकर आए, और कुछ लेटेस्ट इंटरैक्टिव साइकोड्राइव गेम्स जो खेलने वाले के जो मन है और कंप्यूटर के बीच दो तरफा कनेक्शन करती थी। वो गेम्स सचमुच कमाल है। ना ही सिर्फ ग्लव्स और वाइजर उस तस्वीर को बदल जाते थे जो आप देखते थे, लेकिन उससे भी बेहतर बात ये कि आप जो सोच रहे होते हैं उसकी एक्शंस को कंट्रोल भी कर सकते थे। शांत रहिए, पैनिक मत होइए। जब हम उनसे लाए थे, मुझे याद है उनमें से कुछ नए नहीं थे, पुराने थे। तो भी घर वापस लौटने पर मैं उनमें से पहली गेम को खेलने के लिए तैयार हो गया। उसका नाम वाइल्ड वेस्ट था। कंप्यूटरों के बारे में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, वो जितनी ज़्यादा लेटेस्ट होते हैं उतना ही बेहतर आप पास्ट को समझ सकते हैं। वाइल्ड वेस्ट वाली गेम खेलते हुए मैं अब किसी कन्वर्टेड लॉफ्ट यानी कि गैलरी में नहीं खड़ा था, राजाओं महाराजाओं वाले पावर बेस में, जैसा कि पापा इसे कहते हैं। मैं रियली वहीं पर था, टाउन के बीच में धूल भरे रास्ते पर तेजी से भागता हुआ। मेरी शर्ट के ऊपर एक शेरिफ यानी कि एक सरकारी अधिकारी वाला बैज लगा हुआ था, एक बिल्ला। यहां पर नरेटर उस वाइल्ड वेस्ट गेम की बात कर रहे हैं जो उसने अपनी कंप्यूटर पर खेली थी। जैसे ही नरेटर अब बता रहे हैं कि जैसे ही मैं बार की तरफ गया, वहां दोनों तरफ खुलने वाले दरवाजे में से मैं अचानक अंदर घुसा। हर कोई शांत हो गया और मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। मैं लंबे कदम लेता हुआ बार तक पहुंचा। सार्स परेला, मैंने कहा, और उस फीजी यानी कि बुदबुदाने वाली लाल चीज का एक गिलास बार से स्लाइडिंग करता हुआ मेरी तरफ आया। जब मैंने उसकी एक सिप ली तो मुझे एक लाउड क्रैश यानी कि ऊंचा धमाका सुनाई दिया। मैं तेजी से घूम गया। वहां दरवाजे में शेडो के जैसी लग रही ब्लैक आइड जेड था, वेस्ट में सबसे तेज भागने वाला घोड़े सवार या फिर हत्यारा। ये टाउन हम दोनों के लिए रहने के लिए इनफ नहीं बचा है, शेरिफ डॉसन, उसने धीरे धीरे वर्ड को लहरा कर बोलते हुए कहा और अपनी बंदूक पर हल्की सी उंगली घुमाई। आउटसाइड, बाहर सिर्फ तुम और मैं, यानी बाहर आओ, हम दोनों एक एक लड़कर डिसाइड कर लेते हैं। मुझे उसका दांत निकाल कर खराब ढंग से हंसना याद है। हकीकत में इसमें कोई गुस्सा नहीं लग रहा था। मैंने अपना ड्रिंक खत्म किया और गिलास को बार पर पटाख से रख दिया। जेड पहले ही बार से जा चुका था। सभी आंखें फिर से मुझ पर लगी हुई थी। मैं जानने को उत्सुक हो रहा था कि मैं कैसे स्कोर कर रहा था। बिल्कुल अचानक कुछ अजीब बात हो गई। उस पॉइंट तक गेम काफी उसी तरह से चल रहा था जैसे कि मुझे आशा थी, लेकिन जब पिछले दरवाजे में से दूसरा शेरिफ अचानक वहां आ गया चिल्लाता हुआ और इधर उधर अपनी आर्म्स यानी कि बाहें घुमाता हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि गेम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर मत जाना, डोंट गो आउट, दूसरे शेरिफ ने चिल्लाते हुए कहा। और तुम कौन हो, मैंने पूछा। वो सलून यानी कि बार में दूसरे कैरेक्टर की तरह नहीं था। सबसे पहली बात कि वो लगभग मेरी एज का था और वह वैसे भी वो एक कंप्यूटर इमेज की तरह लगता था। वो किसी कारण उसकी तरह चल नहीं रहा था। थी वो कंप्यूटर इमेज लेकिन उसकी तरह लग नहीं रहा था। समझाने का टाइम नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। हम एक कॉरिडोर के साथ साथ भागने चले गए और फिर एक दरवाजे में से हम कुछ आदमियों के पास से भागते हुए निकल गए और दूसरे दरवाजे में से बाहर आ गए। कम ऑन कम ऑन, दूसरे शरीफ ने चिल्लाते हुए कहा। हम एक दूसरे दरवाजे में से निकल आए और एक दूसरे में से और एंड में वापस सलून में यानी कि बार में पहुंच गए। नो, दूसरे शरीफ ने चिल्लाया। फिर वो बार की पिछली तरफ से भाग लिया और पानी में गोता लगाने के ढंग से, जैसे पानी में गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, उसी तरह से खिड़की में से छलांग लगा दी। जिस टाइम तक मैं उसके पीछे पीछे खिड़की में से चढ़कर बाहर आया,
वो पहले ही एक घोड़े पर बैठा हुआ था। जंप अप, छलांग लगाकर चढ़ जाओ, वो चिल्लाया। उसने घोड़े को किक लगाई और हम धूल के एक बादल में भागते चले गए। मैंने फिर से पूछा, तुम कौन हो भाई? लेकिन दूसरे शेरिफ ने जवाब नहीं दिया। उसने हमारे पीछे पीछे तेजी से भागते हुए घोड़े सवारों की एक टीम को देख ली थी। कीप योर हेड डाउन, अपना सर नीचे को रखो, उसने कहा। उसी मोमेंट हवा में एक बंदूक की एक गोली की आवाज आई। दूसरा शेरिफ कर्रा उठा और पीछे की तरफ मेरे ऊपर गिर गया, यानी कि उसे गोली लग गई। मेरे आगे की तरफ ब्राइट नियॉन गैस से जली हुई लाइट्स में एक मैसेज लिखा हुआ आया, गेम ओवर। जब मैंने वाइजर उतारा तो वो खाली डेजर्ट गायब हो गया और मैंने अपने आप को वापस पावर बेस में पाया। मैंने ग्लव्स और कानों में लगे हेडफोन्स को उतार दिए। मैंने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कोर पर नज़र घुमाई। ये स्कोर 21,095 थे। फिर मैंने देखा कि प्रिंटर चलने लगा था। मैंने ट्रे में से कागज़ के टुकड़े को उठाया। सबसे ऊपर शेरिफ का वो पिक्चर था, लेकिन इस बार उसने जीन्स और एक स्वेट शर्ट पहनी हुई थी। सबसे नीचे एक मैसेज प्रिंट किया हुआ था, मैं फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो, ड्रैगन क्वेस्ट वाली गेम खेलने की कोशिश करो, सेबेस्टियन शर्ल्स। मैं तुरंत उस गेम को खेलना शुरू करना चाहता था जिसका उसने सजेशन दिया था, लेकिन लाइट ऑफ के टाइम से पहले मैं आधा घंटा बाद तक बैठा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ खड़ा हुआ और वापस कंप्यूटर पर जाकर बैठ गया और मैं जल्द ही ड्रैगन के मुंह वाली गुफा के बहुत बड़े बटन वाले दरवाजे में से पैदल चला जा रहा था। उस गेम का एम बिल्कुल सिंपल था, मुझे ओरोरा की सुंदर राजकुमारी को वो दुष्ट ड्रैगन से बचाना था और उस दुष्ट राक्षस के खजाने को भी इकट्ठा करते जाना था। जब तक मैं राजकुमारी तक पहुंचा, उस टाइम तक मेरे पास पहले ही ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, यानी कि खजाना। वो राजकुमारी जिसे एक ऊंचे टावर की टॉप में कैद करके रखा हुआ था, वो लंबी लंबी सुनहरी लटों वाली यंग वूमन थी। माय हीरो, उसने किलकारी कर लगाए हुए मुझे कहा, मुझे यहाँ इन सब दुखों से बाहर ले जाओ। अपने पीछे की तरफ मैं ड्रैगन को दहाड़ते हुए सुन सकता था। अब मुझे बचा लो, प्रिंसेस ने अर्जेंटली कहा। उसकी चिंता मत करो, एक आवाज़ सुनाई दी और एक दूसरा नाइट यानी कि एक योद्धा कपड़ों की अलमारी में से निकल आया। ये मैं हूँ जिसे बचाने की ज़रूरत है, सेबेस्टियन, मैंने कहा। दूसरे योद्धा ने हाँ में सिर हिलाया। जल्दी करो, उसने कहा, जबकि अभी यानी कि गेम ओवर होने में टाइम है। और एक कैंची लेकर उसने राजकुमारी की दो लंबी लंबी लटे काट दी। फिर उसने इन्हें इकट्ठा करके बांध दिया। एक एंड चारपाई के साथ बांध दिया और दूसरा एंड खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो चिल्लाकर बोला, जब वो खिड़की तरफ कूदा और बालों वाले रस्से जो बनाए हुए थे उसके सहारे नीचे को वो चला गया। उसी वक्त ड्रैगन वहां आ गया। मैंने हाँफते हुए सांस ली और मैं भी उसके साथ कूद गया। जब मैंने अपने आप को नीचे की तरफ लटकाया, मुझे ड्रैगन का आग जैसा वो जो सांस ले रहा था वो महसूस हो रहा था। चांदनी में नहाए हुए दूसरी तरफ जाकर हम एक गोल सीढ़ी के नीचे को आगे भागे और एक सीक्रेट पैसेज में से होकर एक फूलदार पर्दे के पीछे से हम जाते थे। और पूरा टाइम मैं सुन सकता था, महसूस कर सकता था और सूंघ भी सकता था कि वो राक्षस ड्रैगन बिल्कुल नज़दीक ही पीछा करता हुआ आ रहा था। किले के नीचे बना हुआ तहखाना, सर सेबेस्टियन चिल्लाते हुए बोला, हमारे बचने की यही एक उम्मीद है। हम ठंडी पड़ी हुई पत्थरों की बनी वो सीढ़ी पर से नीचे को चले गए तलवार ताने हुए। अचानक कॉरिडोर के सिरे पर ड्रैगन आ गया। इससे पहले कि हमारे पास पीछे घूम पाने का भी समय होता, ड्रैगन ने हमें घेर लिया था। मैंने अपनी तलवार घुमाई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन को ही पकड़ने में इंटरेस्टेड था और वहाँ
ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उसके यानी कि ड्रैगन के द्वारा सेबेस्टियन को पकड़े जाने से रोकने के लिए कर सकता था। यानी कि ये जो नरेटर है वो सेबेस्टियन को नहीं बचा पाए। फिर लिखा हुआ आया गेम ओवर।